ಹೆಸರುಗಳಿದ್ರು ಹಮಾರೆ ಚಾಹತೆ ನೇತಾ ಔರ್ ನವಯುವಕೋ ಕೆ ಬಹುತ್ ಹಿ ಪ್ರಿಯ ನೇತಾ ಜಿನ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮ್ ಔರ್ ಜಿನ್ಕೆ ಭಾಷಣ ಸುನ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಉನ್ಕೆ ಆಗಮನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮ್ ತರಸ್ ರಹೆ ಥೆ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಯೇ ಪಹಲಾ ಭಾಷಣ ಇಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾ ಚುನಾವ್ ಮೇ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಬೈಠಿಯೇ ಬೈಠಿಯೇ ಕುಚ್ ನಹೀ ವಹಾಂ ಪರ್ ಬೈಠಿಯೇ ಯಹಾಂ ಪರ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೀ ಕೆ ಓರ್ ಸೆ ಮೈ ಕಹೂಂಗಾ ಕಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವ್ ಕಾ ಯೇ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಭಾಷಣ ಯಹಾಂ ಸೆ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಔಸಾ ಯಾನಿ ಔಸಾ ಗಾಂವ್ ಕಾ ನಾಮ ಹಿ ಶುರು ಹೋತಾ ಹೈ ಅ ಸೆ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಅ ಸೆ ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಮೇ ಎ ಸೆ ತೋ ಔಸಾ ಕೋ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ರಾಹುಲ್ ಜೀ ನೆ ಉಸ್ಕೋ ಏಕ್ ಅಪ್ನೆ ಹೃದಯ ಮೇ ರಖಾ ಹೈ ಇಸಿಲಿಯೆ ಆಪ್ ಭಿ ಲೋಗ್ ಇತನೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಮೇ ಆಪ್ ಆಯೆ ಹೈ ತೋ ಮೈ ಬಯಾನ್ ನಹೀ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಇಸಿಲಿಯೆ ಆಪ್ ತಮಾಮ್ ಲೋಕೋ ಕೋ ಭಿ ಮೈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆ ಓರ್ ಸೆ ಧನ್ಯವಾದ ದೇತಾ ಹೂಂ ಇಸ್ ಮಂಚ್ ಪರ್ ಸಾರೇ ನೇತಾಗಣ ಬೈಠೆ ಹೈ ಮೈ ಸಭಿ ಕಾ ನಾಮ ಲೇನೆ ಮೇ ವಕ್ತ ಜ್ಯಾದಾ ಲಗೇಗಾ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಸಭಿ ನೇತಾಗಣ ಉನ್ಕೆ ನಾಮ ಲಿಯೆ ಹೈ ಉಸಿಲಿಯೆ ಮೈ ಮಾಫಿ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ ಮೈ ಸೀದೆ ಅಪ್ನೆ ಪಾಂಚ್ ಛೇ ಮಿನಿಟ್ ಕೆ ತಕ್ರೀರ್ ಮೇ ಕುಚ್ ವಿಷಯ ಬತಾಕರ್ ಮೈ ಆಪ್ ಸೆ ರಜಾಮಂದಿ ಲೇತಾ ಹೂಂ ಭಾಯಿಯೋ ಯೇ ಚುನಾವ್ ಬಡಾ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಚುನಾವ್ ಹೈ ಔರ್ ಯೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆ ಕರೋಡೋ ಜನತಾ ಕಾ ಭವಿಷ್ಯ ಬನಾನೆ ಕಾ ಚುನಾವ್ ಹೈ ಯೇ ಕೇವಲ ಔಸಾ ಕಾ ಚುನಾವ್ ನಹೀ ಹೈ ಲಾತೂರ್ ಕಾ ನಹೀ ಹೈ ತುಳಜಾಪುರ್ ಕಾ ನಹೀ ಹೈ ಯಾ ಉಸ್ಮಾನಾಬಾದ್ ಕಾ ನಹೀ ಹೈ ಯೇ ಚುನಾವ್ ಔರ್ ಆಪ್ ಇಸ್ ದೇಶ ಕೆ ಭವಿಷ್ಯ ಕೋ ನಿರ್ಮಾಣ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಆಯೆ ಹೈ ಔರ್ ಯಹಾಂ ಸೆ ಯೇ ಸಭಿ ಕುಚ್ ಶುರು ಹೋಗಾ ತೋ ಇಸ್ಮೇ ಮೈ ಉನ್ ಆಪ್ಕೋ ಬತಾನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ ಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೇತಾ ಬಿಜೆಪಿ ಕಿ ಆ ರಹೆ ಹೈ ಚಾಹೆ ವೋ ಅಮಿತ್ ಶಾಹ ಹೋ ಅಬ್ ಮೋದಿ ಜಿ ಭಿ ಆಯೆಂಗೆ ಔರ್ ದೂಸರೆ ಉನ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೇ ಸಭಿ ಲೋಕ ಹರ್ ಜಗೆ ಜಾ ರಹೆ ಹೈ ಔರ್ ಭಾಷಣ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ ಕಿ ಮೋದಿ ಜಿ ಕೋ ಓಟ್ ದೋ ಅರೆ ಭೈ ಯೇ ಮೋದಿ ಜಿ ಕಾ ಚುನಾವ್ ನಹೀ ಹೈ ಯೇ ಚುನಾವ್ ಹೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆ ಲೋಕೋ ಕಾ ಭವಿಷ್ಯ ಬನಾನೆ ಕಾ ಔರ್ ಕೋಯಿ ಭಿ ಅಗರ್ ಬನೇಗಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾ ಆದ್ಮಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬನೇಗಾ ಮೋದಿ ಬನ್ನೆ ವಾಲೆ ನಹೀ ಹೈ ಮೋದಿ ತೋ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬನೆ ಫಿರ್ ಮೋದಿ ಕೋ ಓಟ್ ದೇವ್ ಹಮ್ ನಹೀ ಬೋಲೆಂಗೆ ಹಮ್ ಬೋಲೆಂಗೆ ಆಪ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಲೋಕ ಹೈ ಔರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೋನ್ ಬನ್ನಾ ಕಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆ ಹಾತ್ ಮೇ ಸತ್ತಾ ದೇನಾ ಔರ್ ಕೋನ್ ಸಿ ಪಾರ್ಟಿ ಹುಕೂಮತ್ ಮೇ ಆಯಿ ತೋ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾ ಭವಿಷ್ಯ ಔರ್ ಉಜ್ವಲ ಹೋಗಾ ಇಸ್ಕೋ ಆಪ್ ದೇಖನಾ ಹೈ
उनके 5 साल में उन्होंने क्या किया, कितना इरिगेशन यहां पर किया, कितने लोगों को नौकरी उन्होंने दिलाई, किसानों का कर्ज उन्होंने कितना माफ किया, 16,000 किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या 5 साल में कर लिए, उनके लिए क्या किए हैं ये प्रश्न है। नौजवानों के नौकरी के लिए आपने क्या किया इसका प्रश्न है। कितना इन्वेस्टमेंट आपने महाराष्ट्र में लाया इसका प्रश्न है। और जो हम नरेगा जैसी योजनाएं श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लाई, फूड सिक्योरिटी लाई और बच्चों के पढ़ाई के लिए कंपलसरी एजुकेशन एक्ट लाया, ये सारी चीजें गरीबों के लिए तो हमने किया। आप सिर्फ भावनात्मक लोगों को उचकाना, उनको कहना और बोलना, देखिए कांग्रेस वाले नहीं चाहते देश के भलाई के लिए, वो हमेशा देश के खिलाफ बात करते हैं। अरे हम तो देश के लिए जान दिए हैं, हमारे लोग जेलों में गए हैं, हमारे लोग सूली पे चढ़े हैं, हमारे लोग सैकड़ों दिन जेल में रहकर इस देश को आजादी दिलाए हैं। जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब से हम लड़ रहे हैं, देश को बचा के रखे हैं, डेमोक्रेसी को बचा के रखे हैं, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचा के रखे हैं, इसीलिए तो आज लोग चुनाव कर रहे हैं। अगर आप डेमोक्रेसी चाहते हैं, लोकतंत्र की हिफाजत चाहते हैं, संविधान की हिफाजत चाहते हैं, महाराष्ट्र में प्रगति चाहते हैं, महाराष्ट्र में इरिगेशन बढ़ने की चाहते हैं और किसानों की समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, तो कांग्रेस और एनसीपी की युति की सरकार जो है उसको चुन के लाओ, तभी तभी महाराष्ट्र की भलाई होगी। 5 साल में इन्हें कुछ नहीं किए, एक मेरे पास लिस्ट है 20-22 मंत्री जो घोटाला किए उनको सब क्लीन चीट दी, 20-22 मंत्री, और ये ऊपर से बोलते हैं कांग्रेस वैसा की, कांग्रेस कुछ नहीं की। हमने देश को अगर देश में अगर प्रगति नहीं करते, देश में अगर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन नहीं बनाते तो आप 5 साल में एक भी नहीं बनाए। शुगर फैक्ट्री क्या बीजेपी ने बनाया, मेडिकल कॉलेजेस बीजेपी ने लाया, बड़े बड़े विद्या संस्था क्या बीजेपी ने लाया, आए और शाह भाषण कर दिए। यहां खिलेरी में मैं समझता हूं 1 घंटा भाषण किया हूं और 1 घंटे में सिर्फ 370 और देश की रक्षा करना है तो बीजेपी को वोट दो, यही भाषण। अरे भैया महाराष्ट्र का चुनाव है, महाराष्ट्र के जनता के लिए आपकी क्या देन है वो बोलिए, 5 साल में आपने क्या किया वो लोगों को बताइए, हम बताएंगे 50 साल में हम क्या किए वो सबके सामने है। इसीलिए मैं आपसे यही विनंती करूंगा, बेरोजगारी को अगर हटाना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट लाना है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार जरूर आना चाहिए। तो यहां पर जो मंच पे बैठे हैं बसवराज पाटिल जी हो, नौजवान साथी जितने भी हमारे यहां पर आज कांग्रेस पार्टी के ओर से काम करने वाले लोग हैं, जैसा कि अभी हमारे थोरात जी ने बताया, कोई हम पीए को लाके ठहरा नहीं करे, जो समाज में काम करता है, लोगों के साथ जुड़ा रहता है, उस बसवराज पाटिल को हमने टिकट दिया।
और वो लोगों में रहते हैं, काम करते हैं, किसानों की समस्याओं को सुलझाते हैं, नौजवानों की बात को सुनते हैं, तो उनको टारगेट बनाने के लिए आप अपने पीए को लाके यहां कंटेस्ट करने लगाते हैं। और यहां की जनता सुनने वाली नहीं है, वो पीए को फिर पाप बिचारा उन्हीं के पास जाना पड़ेगा, कल के दिन अगर वो अपोजिशन में बैठे तो उनका पीए फिर बनना पड़ेगा। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आपकी आशीर्वाद की जरूरत है, आप हमेशा आशीर्वाद करते आए हैं। औसा एक कांग्रेस का बाल किला है, लातूर है, सभी मराठवाड़ा में तो कांग्रेस पार्टी का बोलबाला है, इसीलिए आप हमको आशीर्वाद करेंगे और हमारे पार्टी को मजबूत करेंगे। और आज तक हमने जो कुछ कहा है वो करके दिखाया है, उसीलिए मराठी में बोलते ना तुकाराम का एक कुछ कद, बोले तस चाले त्याची वंदावे पावले, जो बोले जैसा चलता है उसके पैर छूना भाई, ये तो झूठों के सरदार है पूरे, चाहे वो शाह हो चाहे मोदी जी हो, झूठ। 15 लाख दे तू किसानों का, मैं कर्ज माफ कर, अरे किसानों को 35,000 करोड़ रुपए, 90 लाख किसानों का माफ करना था, कितना किया आपने? 50% भी नहीं हुआ। तो ऐसे झूठे लोगों को आप सत्ता से दूर रखिए, सत्ता के लिए जो सत्ता में बिठाने की कोशिश उन लोगों को कीजिए जो वचन आपको देते हैं वो निभा सकते हैं। और काम करके हमने 50 साल में दिखाया है, प्रगति की है। तो आप सभी को फिर एक बार मैं धन्यवाद देता हूं, और आप बड़े मेहनत के साथ पोलिंग बूथ को आप जाइए, घर घर जाइए, जब तक आप 1-to-1 नहीं मिलेंगे तब तक हमको एसएस नहीं मिलेगा, नहीं तो मोदी जी कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहेंगे। तो इतना ही कहकर मेरे 2 शब्दों को समाप्त करता हूं, जय हिंद और जय भारत। धन्यवाद।